नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी अभी मेरे द्वारा। लगातार पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए एक एक करंट अफेयर्स की क्लास का, क्योंकि GS में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो अभी आजकल पार्ट का रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। तो अभी हाल ही में जो नई सरकार बनी है उसी के विषय में करंट क्लासेस चल रही है और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी आने वाले एग्जाम्स में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो टाइटल या थंबनेल आपने देखा होगा, लोकसभा के अध्यक्षों की बात करेंगे। भारत के इतिहास में कौन कौन से लोकसभा अध्यक्ष बने हैं हमारे देश में और लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से कार्य करता है लोकसभा के भीतर। जैसे इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं और हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, या सभापति भी बोल देते हैं, चेयरमैन बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। हालांकि सभापति या चेयरमैन शब्द राज्यसभा में इस्तेमाल होता है और लोकसभा में स्पीकर शब्द का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, और लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ते हैं। इस समय जो तीसरी बार सरकार बनी है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी बने हैं, जो कि राजस्थान के कोटा से लगातार तीसरी बार जीते हैं। कितनी बार जीते हैं? लगातार तीसरी बार सांसद चुनकर के आए हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है। तो इसी विषय में हम बात करेंगे। आराम से इत्मीनान से जुड़िएगा क्लास को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना क्लास को ना भूलें। अपने मित्रों के दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अंत तक बने रहें और देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को और पॉइंटों को। तो हेडिंग है हमारी 18वीं लोकसभा कौन सी चल रही है, इसे तो रट लेना, ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। जब आज के 4 महीने बाद कोई एग्जाम हो रहा हो तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया 2024 में कौन से लोकसभा के चुनाव हुए थे, 17वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा थी, 19वीं लोकसभा या 18वीं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए अभी हाल ही में, जिनका रिजल्ट 4 जून 2024 को आया था, ठीक है। काउंटिंग हुई थी, उसके बाद सरकार बनी, 9 जून को प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तीसरी। तो देखिए 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे कौन सी के, 17वीं के, इससे पहले 18वीं से पहले कौन सी थी, 17वीं। तो 17वीं के अध्यक्ष थे ओम बिड़ला, और कहां से सांसद हैं, आपके कोटा से सांसद है, इस जानकारी के लिए लिख लेना, और लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, ये भी लिख लेना, ओम बिड़ला जी तीसरी बार सांसद चुनकर के आए हैं कोटा राजस्थान। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि कोटा अपने परीक्षाओं की तैयारी के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जाना जाता है, और उसमें भी जेई की, आईआईटी की या नीट वगैरह की जो बच्चे तैयारी करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो अधिकांश कोटा से जाकर के तैयारी करते हैं, ठीक है। और कोटा भारत में स्टूडेंट जो विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उसमें भी नंबर 1 पर, सबसे ज्यादा विद्यार्थी में सुसाइड करते हैं, अंडर प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं, नीट का एग्जाम नहीं निकल पाया, आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया और बहुत सारे एग्जाम्स नहीं निकल पाए, तो उस वजह से कोटा में ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस क्लास की, तो ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। अब बात करते हैं 18वीं, जो अब चुनाव हुए इस समय, 18वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष कैसे बना दिया ओम बिड़ला जी। वैसे चर्चा थी कि चुनाव हो सकता है, विपक्ष ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए। विपक्ष का उम्मीदवार था के सुरेश करके, वो केरल से सांसद थे, वो लगातार 8वीं बार सांसद बन चुके हैं, यानी कि 40 साल का अनुभव है उनका संसद के भीतर आने का केरल से, है ना। 4 बार वो अलग सीट से रहे, 4 बार अलग 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 सीटों से वो सांसद, टोटल 8वीं बार चुन करके आए थे, लेकिन चुनाव नहीं हुआ तो सर्वसम्मति से किसे चुन लिया गया, ओम बिड़ला जी को चुन लिया गया, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं, जो कि राजस्थान के कोटा, ठीक है। कोटा को याद रखना, कोटा देखो कई मायनों में है, यहाँ लिखने को जगह नहीं है, मैं बता सकता हूँ लिख करके, चंबल नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी नीट वगैरह जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे बच्चे देश भर के वहाँ जाते हैं। कोटा के अंदर चंबल नदी पर महाराणा प्रताप के नाम से एक बांध स्थित है, और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी है, है ना। ये चंबल नदी पर ही हम पढ़ते हैं, राजस्थान के अंतर्गत कोटा के अंतर्गत पढ़ते हैं, और एक जवाहर सागर वो MP में पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र, पहला परमाणु संयंत्र भारत सरकार ने स्थापित किया था महाराष्ट्र के तारापुर में, और दूसरा परमाणु संयंत्र रावतभाटा में बनाया सरकार ने, स्थापित किया, और रावतभाटा कहाँ पर है, कोटा में, रावतभाटा जो जगह है वो कोटा में स्थित है 1972 में, तो इस वजह से कोटा को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अंत तक बने रहे वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बात करते हैं पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार,
कौन सी लोकसभा में थी? 15वीं लोकसभा में, ये लिख लेना, ये लोकसभा का नाम 15वीं लोकसभा, ठीक है। मीरा कुमार की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, ये 16वीं लोकसभा में बनाई गई, ये कांग्रेस के समय में थी, और सुमित्रा महाजन बीजेपी के समय की थी, ये कांग्रेस के समय की पहली महिला थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है पहला या पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत के? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये सबसे पहले थे। नाम है, नाम भी भगवान जी का नाम है इसमें, तो इजीली याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश गणेश भगवान जी को कहते हैं, और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, तो नाम याद रखिएगा। और पीछे मावलंकर, शॉर्ट में नाम आता है जी वी मावलंकर, गणेश मतलब जी और इधर वी लिखा रहता पीछे मावलंकर, ठीक है। अब देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष का पद कहां से आया है, कौन सी वर्ष में बना था, थोड़ा सा सुर्खियों, थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालते हैं, पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं इसका, है ना। तो देखिए अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले 1919 के, आप लिखते ही चलो, मैं वैसे भी आपको वैसे बताऊं, आप नोट करते चलना, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का सृजन, यानी कि जो पद बनाया गया वो 1921 में ये अध्यक्ष का पद बनाया गया, 21 में आता है ये पद। लेकिन इससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष का जो प्रावधान था वो मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार में रखा गया, तो ये एक अधिनियम आया था, और ये अधिनियम आया था 1919 में, इसमें प्रावधान रखा गया था, इसमें प्रावधान रखा गया था 1919, यानी कि 1919 में प्रावधान रखा गया कि भाई अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए लोकसभा के भीतर। 1921 में जो पद आता है उस समय प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे, वो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे, कब? 1921 में, 1921 से लेकर के 1935 तक, 1935 तक प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया भारत में। 35 के भारत शासन अधिनियम में इनका नाम बदल करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया, ठीक है। ये क्लास आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे भारत शासन अधिनियम के आपको, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है यहाँ पे, इनकी पदों की जो व्यवस्था है, लोकसभा का अध्यक्ष होगा भाई साहब एक और एक होगा उपाध्यक्ष, इनको लिखा है आर्टिकल 93, अच्छे से देखते चलिए। दूसरा 94 है, लगातार है आर्टिकल, दूसरे में लोकसभा के अध्यक्ष के पद को छोड़ना है, यानी कि त्याग पत्र देना, लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी इस्तीफा दे सकता है, और इस्तीफा किसे देगा? उपाध्यक्ष को, पद को छोड़ सकता है, इस्तीफा ही देना हो गया, त्याग पत्र देना हो गया, तो कौन से अनुच्छेद के हिसाब से? आर्टिकल 94 आर्टिकल के अकॉर्डिंग पद को लोकसभा का अध्यक्ष छोड़ सकता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद है 97, उन 97 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष के तनख्वाह के बारे में व्यवस्था, यानी कि वेतन के बारे में प्रावधान है। 97 में वेतन लोकसभा के अध्यक्ष को 4,00,000 रुपए प्रति महीने मिलता है, कितना मिलता है? 4,00,000 रुपए प्रति महीने, एक महीने के 4,00,000 रुपए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है कुछ महत्वपूर्ण, इनको भी नोट कर लेना। अब देख लेते हैं थोड़े से कार्य इनके, एग्जाम में कार्य इनके काम पूछ लिए जाते हैं कि भाई क्या काम है इनका, तो सबसे पहले तो बैठकों की संचालन ही करते हैं, जो लोकसभा की बैठक होती है ना उनका संचालन ही करते हैं। संचालन का मतलब अध्यक्षता, जो लोकसभा की बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो बैठक शुरू कराने का काम किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का। संचालन करने का काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। कब कौन सा सांसद बोलेगा, कब कौन से मंत्री जी बोलेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं, नाम बोलते हैं अपने आसन से जहां पर वो बैठते हैं लोकसभा के भीतर। तो सबसे महत्वपूर्ण काम तो लोकसभा को चलाना होता है इनका, लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा के अंदर सचिवालय होता है, वो सचिवालय भी डायरेक्ट किसके अधीन आता है? लोकसभा अध्यक्ष, उसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं, है ना। लोकसभा अध्यक्ष के अंदर में काम करता है लोकसभा का सचिवालय। एक कार्य इंपोर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, कभी संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। जैसे 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन हुआ है भारत के इतिहास में, कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 3 बार में बात करें तो सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब पार्टी जो रहती है, सरकार जो रहती है, और विपक्ष के जो लोग रहते हैं उनमें सहमति ना होने, तब होता है संयुक्त अधिवेशन के भाई आ जाइए संयुक्त अधिवेशन होगा। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अनुसार, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता करेगा, बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे समय में अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सबसे पहली बार संयुक्त अधिवेशन भारत में 1961 में बुलाया गया था,
और 1961 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1961 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और लोकसभा के अध्यक्ष थे अनंत सैनम आलमगर। 1956 से 62 तक रहे थे, इनको भी मैं पढ़ा पाता हूँ। इनके समय में पहला अधिवेशन बुलाया गया 1961 में, कौन से अधिनियम पर बुलाया गया था, दहेज, दहेज का कानून लेकर के आई थी सरकार, तो उस पर सहमति नहीं बनी, सहमति नहीं बनी तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा, तब जाकर के कुछ देशों पर ऐसे अधिवेशन बुलाए जाते हैं। ठीक है, एक बार 61 के बाद और 1978 में मेरे ख्याल से एक कानून था पोटा अधिनियम, उस पर भी बुलाया गया, और एक 2002 में, तो तीन बैठकें अभी तक हुई हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो पहला तो हो गया इसकी अध्यक्षता करते हैं, यदि सदन में गणपूर्ति ना हो तो बैठक को स्थगित भी कर सकते हैं। गणपूर्ति का मतलब कि भाई लोकसभा के जितने सांसद हैं उसका 1/10 होना चाहिए, बैठक के लिए इतने सदस्य उपस्थित होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या है 540 या 500 माफ कीजिए 500 550 पढ़ते हैं 550, उसका 1/10 निकालेंगे हम, तो इतने सदस्य तो होना जरूरी है तभी बैठक होगी। यदि 1/10 नहीं हुआ तो बैठक नहीं चलेगी, बैठक को स्थगित करने का प्रावधान है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है, अगर कभी किसी विधेयक पर मत होते, वोटिंग होती है, क्या होती है वोटिंग संसद के भीतर, तो जब वोटिंग होती है तो मान लीजिए बराबर बराबर वोट पड़ गए किसी विधेयक पर, ठीक है, किसी बिल पर बराबर 50-50 पड़ गए तो टोटल 100 हो गए। ऐसी स्थिति में टाई के मामले में जब मत बराबर हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष वोट देता है, तो इस काम को भी महत्वपूर्ण नजरों से और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है और होता है, इंपॉर्टेंट रोल है अपने आप। फाइनल वोट पर लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं और ये लिखा है आर्टिकल 100 में, अनुच्छेद 100 में इस व्यवस्था को लिखा हुआ है, तो जब मत बराबर हो जाए तो फाइनल वोट कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक है या नहीं है इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, जैसे विधेयक सरकार के लिए लेकर के आती है तो धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है लेकिन निर्णय लोकसभा के अंदर लिया जाता है और धन विधेयक पर निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, एक एक लाइन को नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना, क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा यदि क्लास साफ नहीं लग रही हो तो। आपको दसवीं अनुसूची के तहत एक व्यवस्था है जिसमें हम पढ़ते हैं दल बदल, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था, एक संविधान संशोधन हुआ था 52वां, और ये संविधान संशोधन 1985 में आया था 1985 में, तो इसके तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराना हो, यानी कि संसद की सदस्यता खत्म करनी है किसी सांसद की, तो उस काम को कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। किसी भी सदस्य की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, ये नोट कर लेना। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से हटाया जाता है, हटाने की बात हो तो लोकसभा के लोग हटाएंगे, लेकिन 14 दिन पहले सूचना देनी होती है कि भाई बता दो 14 दिन पहले कि हम आपको हटा रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति को भी दी जाती है 14 दिन पहले सूचना, ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना। जब तक प्रोसेस चल रही हो इनके हटाने की तो ये लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इनको हटाया जाता है। जैसे ही राज्यसभा में हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सभापति को कौन हटाता है, तो राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा के सदस्य हटाते हैं, राज्यसभा के सांसद ही हटाते हैं, क्योंकि वो जो अध्यक्षता करते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, तो भैया वहीं के लोग हटाएंगे, ये लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं तो इनको लोकसभा के लोग हटाएंगे। सिंपल बात है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिएगा, एक एक प्रश्न आपको समझाएंगे। अब देख लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उनके कार्य। तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये 1952 से 1956 तक रहे, पहले अध्यक्ष थे भारत में लोकसभा के। ठीक है, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय के अध्यक्ष थे और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, नोट कर लेना, और पहले व्यक्ति थे इनके खिलाफ क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, ये और नोट कर लेना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा चुका है अभी तक, गणेश वासुदेव, अविश्वास का मतलब हटाने के लिए लेकिन हट नहीं पाए थे, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस समय गणेश वासुदेव। दूसरे अनंत सैनम आलमगर 56 से 62 तक, तीसरे सरदार हुकुम सिंह 62 से 67 तक, चौथे नीलम संजीव रेड्डी, जब नाम में परिचित नाम होगा आपको याद आ रहा होगा, नीलम संजीव रेड्डी वो व्यक्ति हैं जो आंध्र प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे,
आंध्रा के सबसे पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे 1956 में, और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, दो दो बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इसी तरीके से प्रश्न बनता है पेपरों में किसी भी व्यक्ति को लेकर के, है ना। आंध्र प्रदेश के 1956 में नोट कर लेना, मुख्यमंत्री बने थे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे और इधर लोकसभा के अध्यक्ष रहे 67 से 69, यानी कि 2 वर्षों तक। जी एस ढिल्लो रहते हैं 5 नवंबर को 79 से 75 तक, बलिराम भगत रहते हैं 76 से 77। देखो फिर नंबर आ गया नीलम संदीप रेड्डी का, एक बार इधर रह लिए, एक बार यहाँ नंबर आ गया नीलम संदीप रेड्डी 77 से 77, मार्च से जुलाई के महीने तक रहे थे सिर्फ 1977 मार्च मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4-5 महीने नीलम संजीव रेड्डी। दूसरी बात ठीक है, के एस हेगड़े 1977 से 80, बलराम जाखड़ 1980 से 89, लगभग 9 वर्षों तक, यानी कि दूसरा कार्यकाल पढ़ सकते हैं हमें फिर से। बलराम जाखड़ साहब, ओम बिड़ला जी दूसरे कार्यकाल में है और इनसे पहले दूसरे कार्यकाल में कौन थे, बलराम जाखड़ पढ़े तो 80 से 89 90, यानी कि 10 साल हो जाएंगे लगभग, 9 साल हो गए लगभग उनको ठीक है। रवि रोड 89 से 91, शिवराज पाटिल 91 से 96 तक। बस पढ़ लेना, मैंने आपको याद कराने के लिए इनकी लिस्ट लिखी है, सभी को मत पढ़िएगा, लास्ट के पढ़िएगा शुरू के पढ़िएगा, एग्जाम्स में वहीं से आते हैं और कोई खासियत होती है वहां से आएंगे। जैसे नीलम संजीव रेड्डी को पूछ सकता है भाई, दो बार रहे लोकसभा के अध्यक्ष अलग अलग समय पर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे नीलम संजीव रेड्डी, तो याद रखिएगा। पी ए संगमा 96 से 98, इनके बारे में पूछा गया प्रश्न कई बार, पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, ऐसे अध्यक्ष थे जो पहले कौन सी जनजाति से आए थे, एसटी से, शेड्यूल ट्राइब होते हैं ना, एसटी से आने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा बने भारत में। इसके बाद जीएमसी बाली होगी 98 से 2002, मनोहर जोशी 2002 से 2004, मनोहर जोशी। इनके बाद सोमनाथ चटर्जी आते हैं, जगह नहीं बची तो मैं वैसे बता देता हूं, इनके बाद थे सोमनाथ चटर्जी और सोमनाथ चटर्जी के बाद मीरा कुमार और मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन और सुमित्रा महाजन के बाद ओम बिड़ला। पेपर वाला क्या करेगा, या तो शुरू से पूछ लेता है पहले दूसरे तीसरे चौथे तक आपको याद होने चाहिए, भाई पहले चार याद करने में क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, और अंतिम तीन चार पता होने चाहिए आपको। लगातार दो बार से ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला से पहले सुमित्रा महाजन थी, उनसे पहले मीरा कुमार थी, उनसे पहले सोमनाथ चटर्जी थे, इनको याद रखिएगा। तो ये पूरा विश्लेषण था इस छोटी सी क्लास में हमारा लोकसभा के अध्यक्ष की क्लास का। ये सभी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा के मैंने लगभग इधर महिला कौन सी रही, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि सरकार नई नई बनी है तो सरकार का हर तथ्य हर पॉइंट का एक एक क्लास आएगी। और जो भी आपको कोई क्लास की रिक्वायरमेंट है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, आपके महत्वपूर्ण जो भी सुझाव हैं आप अपने सुझाव दीजिए, उन सुझावों पर उस हिसाब से भी मैं कोशिश करूंगा क्लास लेकर के आऊंगा। लगातार भी आपको लगातार करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती रहेंगी, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस को पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। टाइम जैसा कि मैं बता चुका हूँ 8:30 से 9 तक एक क्लास मिलेगी और 9 के बाद भी आपको दूसरी क्लास, दो क्लास डेली मिलेंगी और दोनों क्लासों के नोट्स आपको बने होने चाहिए ठीक है। और ऑफलाइन छात्र हमारे सुन लें, उनसे रिवीजन कराया जा करेगा कोचिंग में, तो सभी को पढ़ करके आए आप डेली जितने भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपना विशेष ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार, राधे राधे, श्री कृष्ण।